दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज आज एमिटी स्कूल के दर्जनों बच्चों एवं टीचरों के साथ एम्स के पास बने शेल्टर होम में पहुंचे और वहां रह रहे बेघरों के साथ मिलकर क्रिसमस का त्यौहार सेलिब्रेट किया। वहां सबके साथ मिलकर केक काटा और सभी बच्चों एवं मंत्री ने गिफ्ट बांटा। इस अवसर पर सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि इससे अच्छी जगह त्योहार मनाने की कोई और नहीं हो सकती। वहीं एमिटी स्कूल के शिक्षकों ने कहा है कि आज इन बेघरों के साथ मिलकर क्रिसमस का त्योहार मनाना उन्हें और एवं बच्चों को बहुत अच्छा लगा है। आपको बता दें कि जितने भी गिफ्ट यहां बांटे गए थे वे सभी बच्चे अपने घर से लेकर आए थे। देखिए, कुछ दिनों पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल के कार्यक्रम में गया था जहाँ पे मैंने उनको कहा कि भाई आपके यहाँ जो बच्चे हैं ये बड़े घरों के बच्चे हैं, प्रिविलेज बैकग्राउंड के बच्चे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ इन बच्चों के अंदर जो होनी चाहिए वो कंपैशन होना चाहिए। मतलब कि जिन लोगों के पास नहीं है उनके प्रति उनके दिल के अंदर जो है उदारता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। और जब आप अपने बड़े त्यौहार मनाएं, नया साल मनाएं, क्रिसमस मनाएं, दिवाली मनाएं, उन लोगों के साथ भी मनाएं जिनके पास नहीं है। और उसी से एक आइडिया निकला कि एम्स के बाहर जो ये पगोडा टेंट्स हैं इसके अंदर वो लोग रहते हैं जिनके माँ बाप, भाई बहन, पत्नी अस्पताल के अंदर एम्स के अंदर बीमार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी माँ बाप जो हैं एम्स के अंदर बीमार हैं, और ये इन सर्दियों के अंदर इन टेंट्स के अंदर रहने के लिए मजबूर हैं। और मुझे खुशी है कि स्कूल को ये अच्छा लगा और उनकी जो टीम है, उनके प्रिंसिपल, उनके टीचर्स और उनके बच्चे अपनी तरफ से इन छोटे छोटे अपने दोस्तों के लिए केक लेके आए, कपकेक्स लेके आए, और इनके साथ जो है आज इन्होंने क्रिसमस मनाया। मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा सुंदर तरीका है, कंपैशन से भरा हुआ है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ इन बच्चों का कि इन्होंने इतना सोचा और इतना किया। तरफ सवाल भी उठे, लेकिन नहीं, बीजेपी ने आरोप लगाया कि जिन रैन बसेरे में आप आज आए हैं ऐसे और भी रैन बसेरे हैं जहां पर आपके जो सुविधाएं हैं वो पूरी नहीं है और जिसकी वजह से ये एक बड़ा फेलियर है, ऐसा आरोप भी आप पहले लगे। देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ 2014 से पहले कितने रैन बसेरे थे, आज कितने रैन बसेरे हैं, ये कंपेरिजन कर ले। दिल्ली से ज़्यादा दूर उत्तर प्रदेश नहीं है, मात्र 30 किलोमीटर दूर है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को न्योता दूंगा, आइए नोएडा चलते हैं, उत्तर प्रदेश, वहाँ भी उतनी ही सर्दी पड़ती है जितनी हमारे यहाँ पड़ रही है। गुड़गांव चलते हैं, फरीदाबाद चलते हैं हरियाणा में, वहाँ देखते हैं रैन बसेरे कितने लगाए गए हैं, उनमें क्या सुविधा दी जा रही है, दिल्ली से कंपेयर कर लेते हैं। सिर्फ सुबह सुबह झूठ बोलने की राजनीति ठीक नहीं है। दिल्ली मुझे लगता है देश का इकलौता ऐसा शहर है जहाँ पर रैन बसेरों के अंदर मुफ्त भोजन दिया जाता है, और अक्षय पात्रा जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया हुआ है, उनको पैसा सरकार देती है और अक्षय पात्रा साफ और पौष्टिक आहार जो है इन रैन बसेरों के अंदर देता है। सर, दिल्ली में कोरोना की क्या स्थिति है, जो नया वेरिएंट आ रहा है और क्या तैयारियां दिल्ली सरकार की? लोग बाहर निकले कल, पूरी दिल्ली में कई जगह जा लग रहा है कि लोग कैसे बाहर निकले हुए हैं, क्या कोई गाइडलाइन जारी करने का सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, जो हमारी केंद्र सरकार से 4 दिन पहले डिस्कशन हुआ उसके हिसाब से साउथ के जो स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इधर थोड़ा नए वायरस का वेरिएंट देखा जा रहा है। ये वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है, माइल्ड है, बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीज़ इससे नहीं हो रहा है। दिल्ली के अंदर औसतन 400 से 500 सैंपल रोज़ टेस्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर 5 से 7 पॉजिटिव केसेस रोज़ आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि 1% से भी कम पॉजिटिविटी रेट है। और आज की तारीख में कुल 4 मरीज़ जो है दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना को लेकर एडमिट हैं। तो स्थिति पैनिक की नहीं है, मगर अगर भीड़भाड़ वाले इलाकों को जो कोमॉर्बिडिटी लंबी बीमारी से ग्रस्त लोग हैं, जिनको बीमारी के कारण जिनकी इम्यूनिटी कम है, वो लोग भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचें, उनके लिए अच्छा रहेगा। कोई गाइडलाइन जारी की गई है सर? आपने जो केसेस बताए, क्या ये न्यू वेरिएंट है या न्यू सब वेरिएंट के हैं? इसको हमने जो है जीनोम के लिए भेजा है, जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद हम लोग बता पाएंगे। कितने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आपने? हम सारे पॉजिटिव जो सैंपल्स हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। अभी तक ऐसा कुछ है? सौरभ, अभी तक ऐसा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग
टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।